सिटी का वायर है, ठीक है, जिसको हम यू वेलोसिटी से चला आ रहे हैं, जिसको हम यू वेलोसिटी से चला आ रहे हैं ऐसे खींच के, ठीक है, ठीक है भाई। इट कैन बी कंसिडर्ड एज करंट एट दिस लोकेशन। कैसे? डेल्टा टी टाइम में यू डेल्टा टी लेंथ क्रॉस करेगी इसको और लैम्डा इज द चार्ज, तो रूडल कितना चार्ज क्रॉस करेगा, कितना चार्ज क्रॉस करेगा, इतना। तो कितना करंट मान सकते हैं इसको अपन, लैम्डा इंटू यू, ठीक है। तो यदि हम इसको करंट मान सकते हैं तो इसके से फील्ड लिख सकते हैं इनफाइनाइट वायर जैसी, लिख दीजिएगा। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास एक रिंग है, क्यू चार्ज, आर रेडियस, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी से। कैन इट बी कंसिडर्ड एज चार्ज करंट कैरिंग रिंग? यस। कितने करंट की, हाउ मच करंट? इस पॉइंट से क्यू चार्ज हर 2π/ω टाइम में क्रॉस करके निकल जाता होगा, चार्ज हो गया, करंट हो गया है? वो ठीक है, एक्चुअली तो हमें लिखना चाहिए डेल्टा टी के लिए, वो तो लोग यहां पे ऐसे इसलिए मैंने लिखा है, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका होता है डेल्टा टी लिखने का कि डेल्टा टी में कितना चार्ज क्रॉस कर। कोई कंफ्यूजन है किसी को यहां तक? पक्का डेल्टा टी वाली बात समझ में आई? तो यदि हमारे पास ऐसे कंटिन्यूस चार्जेस आ जाए तो इनके और मूव कर रहे हो तो इनके से फील्ड लिखी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? बहुत सारा होता है जब जेई वाले दो बार दे चुके, एक बार लिख के एक बार बिना लिख के, वो थोड़ा सा गलत है। जब वो डिस्क्रीट चार्ज के लिए भी फील्ड निकलवा देते हैं वो ठीक है, छोटी वेलोसिटी के लिए अप्रोक्सीमेट और करेक्ट इनकरेक्ट वाला जो है, मतलब करेक्ट वाला सेम आ जाता है, लेकिन गलत है इसको करंट की तरह ट्रीट करना। इसके लिए भी जेई वालों ने फॉर्मूला बोला कि यूज कर लो, कौन सा, मैंने वो डिराइव कर रहा हूं, आपको याद होगा आईडीएल क्रॉस आर कैप, ऐसा कुछ कुछ बनाया था अपन ने फॉर्मूला 4π, ऐसे ही था, ठीक है। आई को हम लिख सकते हैं DQ/dt, राइट, कि नहीं लिख सकते? तो उन्होंने बना दिया जेई वालों ने ये फॉर्मूला, राइट, जेई में इसको वो ट्रू मानते हैं, छोटी वेलोसिटी के लिए अप्रोक्सीमेटली ये सही भी होता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं लिखा है? नहीं, ठीक है। तो यदि कभी डिस्क्रीट चार्ज आ जाए तो ये चेप सकते हैं आप, यदि कि उसकी वजह से फील्ड पूछ ले तो। टेक्निकली ये गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि इस चार्ज को हम करंट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट ट्रीट इट लाइक अ स्टेडी करंट, सो दैट इज द बिग मिस्टेक इन दिस होल पॉइंट। गॉट इट? ये गलत है क्योंकि हम यहां पे करंट को ट्रीट कर रहे हैं एज अ डिस्क्रीट चार्ज को ट्रीट कर रहे हैं करंट की तरह, वो बात बिल्कुल भी सही नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी को समझ में आया हो? ठीक है, चलिए, लॉरेंस फोर्स लॉ। तो ये तो था वेरियस सिचुएशंस में करंट दे रखे हो तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और लास्ट में हमने देखा करंट नहीं दे रखा हो, मूविंग चार्जेस दे रखे हो तो भी हम उनको करंट मान के कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा फ्रॉड है, जुगाड़, लेकिन छोटी वेलोसिटी के लिए एक्चुअल आंसर और इस आंसर में ज्यादा अंतर नहीं होता इसलिए हम चला लेंगे काम। ओके, जेई वालों ने एक बार तो अजम्पशन लिख के दिया था कि अज्यूम इट टू बी स्टडी करंट, जब सामने वाला कही दे स्टडी करंट मान लो तो फिर तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, अजम्पशन के आगे क्या कर लो। अरे बढ़ू मैं आगे? नहीं, ओके।
सो लॉरेंस फोर्स लॉ, एक्चुअली तो लॉ ये था, शायद आपको याद हो, मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ इसका बारे में आपसे, राइट, कि एक चार्ज पे कोई दूसरा चार्ज जो फोर्स लगाता है वो ये होगा, जहां पे ई और बी स्पेस में उस जगह की इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी याद दिला दूं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक सब कुछ होता है। इनफैक्ट आपको याद हो तो मैंने बताया था एक जमाने में कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और सारे इवन डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं और ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऑड डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं, यदि आपको याद हो तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूं, राइट। हैविंग सेड दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, आप किसी भी फ्रेम से लिख लीजिए फोर्स की वैल्यू सेम आएगी, ये फ्रेम के बेसिस पे चेंज नहीं होता है, राइट, दिस फोर्स डज नॉट चेंज बाय द चॉइस ऑफ फ्रेम, ओके, फ्रेम के इंडिपेंडेंट रहेगा ये। ठीक है, ये फ्रेम से इंडिपेंडेंट रहेगा। बढ़ू मैं आगे? श्योर। विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू लुक इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, शायद मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि आई करंट जा रहा है, ये चार्ज क्यू है जो किसी वेलोसिटी यू से जा रहा है, राइट। यदि हम इस आई करंट को इलेक्ट्रॉन्स को यू ड्रिफ्ट से चलता हुआ इधर मान ले, वही आई करंट है बेसिकली, तो एक तो इस भाषा में लोग बात करते हैं कि यदि हम ऐसे फ्रेम से जाने लग जाए जो खुद यू ड्रिफ्ट से इस तरफ चल रहा हो, तो ये चार्ज क्यू की वेलोसिटी वो नहीं रहेगी जो पहले थी, डिफरेंट आएगी, वो तो एक अर्सर रही सही, साथ में जो पॉजिटिव चार्जेस रेस्ट पे थे वो चलने लग जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे यू ड्रिफ्ट से इधर चलने से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, इस तरह से बातचीत की जाती है, समझ में आ रही बात, फोर्स वही आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट सोचना यह होता है कि फोर्स क्या तब भी सेम आएगा जब एक ऑब्जर्वर खुद यू वेक्टर से चलने लग जाए, क्यों, क्योंकि अब तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कितना लगेगा इस पे, वेलोसिटी जीरो हो गई चार्ज की तो कितना हो जाएगा इसके रिलेटिव, जीरो, तो फिर भी फोर्स वही आएगा जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड थी तब आ रहा था। हां, इसका प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस फ्रेम में ये वायर नहीं, ये करंट कैरिंग लूप होगा, एक तो याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा लूप मूव करेगा यू वेलोसिटी से पीछे की तरफ, और यदि ये यू वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव करेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस कर रहा है वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और उसकी वजह से फोर्स की वैल्यू एग्जैक्टली उतनी आएगी जितनी क्यू यू क्रॉस भी आता था, लेकिन फोर्स वुड ऑलवेज रिमेन इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, चाहे वो मैग्नेटिक से इलेक्ट्रोस्टैटिक बने या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक बने या नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैग्नेटिक बने, उस सबसे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फील्ड्स विल ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स सच दैट कि नेट फोर्स विल नेवर एवर डिपेंड ऑन फ्रेम, राइट, फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक प्लेस सच दैट कि ये कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब फोर्स फ्रेम पर डिपेंडेंट नहीं होगा, दिस फोर्स विल ऑलवेज रिमेन इनडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि दोनों की यूनिट्स अलग, डायमेंशन अलग, सब कुछ अलग, लेकिन यदि फ्रेम चेंज होने से ही एक दूसरे में बन जाती है तो इससे ज्यादा अमेजिंग उदाहरण नहीं हो सकता ऐसी क्वांटिटीज का जिनका यूनिट डायमेंशन अलग है पर आत्मा एक ही है, क्योंकि ई क्या है, चार्ज का असर, बी क्या है, चार्ज का असर। यदि सिर्फ इनर्शियल फ्रेम चेंज करने से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रही है तो दोनों क्वांटिटी अलग हो ही नहीं सकती,
जैसा मैं आपको काफी पहले से बताते चल रहा हूं। राइट, फिजिक्स बड़ी अजीब है। दो मासेस होते हैं, ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास, दोनों का यूनिट सेम, डायमेंशन सेम, सब कुछ सेम, लेकिन दोनों की फिजिक्स पूरी अलग, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट फिजिकल आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट डायमेंशन सब कुछ अलग, लेकिन दे रिप्रेजेंट सेम फिजिकल आइडिया। एंड उसका सबसे सुंदर उदाहरण है कि हमारे फ्रेम चेंज करने से भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, तो यह अलग फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। राइट, मतलब है अलग फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन अलग है, बट इनका फिजिकल कॉन्सेप्ट एक ही चीज है। ये ज्यादा फिलोसफिकल डिस्कशन है, ये फिजिक्स का थोड़ा सा मतलब फिलोसफी वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट। ओके, बढ़ू मैं आगे? गो डाउट। बढ़ू मैं आगे? कोई डाउट, एनीथिंग, कंफ्यूजन, क्वेश्चन, कमेंट्स? पक्का? कुछ भी पूछना? ऑलराइट, हम कंसेंट्रेशन इसी पे रखेंगे अपना, क्योंकि ये तो हम करते ही हैं आज तक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, बाद में और बातचीत कर लेंगे। बट ये समझ में आ गया, फ्रेम चेंज करने से फोर्स चेंज नहीं होगा, चाहे बी से ई बने, चाहे ई से बी बने, चाहे हमें समझ में ना आए, लेकिन फोर्स हैज टू बी सेम इन ऑल फ्रेम्स। नहीं आ समझ? ओके, तो केस वन एक एक करके ले लेते अपन। ये एक चार्ज है क्यू रेस्ट पे, और ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, कितना फोर्स लगेगा इस पे? जीरो। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एक रुके हुए चार्ज को चला नहीं सकती, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट मूव अ चार्ज एट रेस्ट। आगे, नेक्स्ट केस टू। ये चार्ज क्यू है जो यू वेलोसिटी से इधर चल रहा है, और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। कितना फोर्स लग रहा होगा? जीरो। क्यों? यू क्रॉस बी। आगे बढ़े। ऑलराइट, केस थ्री। मैंने चैप्टर शुरू करते हुए भी बोला था कि यहां पर 3D सोचने आना बहुत जरूरी है। राइट, अब यहां पर हम जनरली किताबों में आप देखेंगे तो चित्र ऐसे दिए होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के परपेंडिकुलर रखते हैं। राइट, किसी को आइडिया है क्यों? इसलिए क्योंकि उस डायरेक्शन में तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी नहीं, और यदि चार्ज के पास उस डायरेक्शन में इनिशियल में कोई वेलोसिटी नहीं है तो अब आएगी भी नहीं। इसका मतलब उसका मोशन ज्यादा अच्छा विजुअलाइज कर पाएंगे। ऐसी पागल थोड़ी किताब में, समझदार लोग हैं, आपकी तरह के लोग थोड़ी। राइट, और फोर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे ये भी बता दूं, बड़ा आसान है। राइट, फील्ड लाइंस प्लूरल, प्लूरल क्या है? फील्ड लाइंस। और हमारे हाथ में प्लूरल क्या है? उंगलियां। राइट, वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की, अंगूठा। और फोर्स कैसे लगाते हैं अपन को किसी पे फोर्स लगाना हो तो? हाथ से, पंजे से, फोर्स। जीरो हो गया आप तो। अरे, अब जैसे मैंने यदि बोला
कि चार्ज पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी एक्स के अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड वाई के अलोंग है, ऑलराइट। तो चित्र बना के दिखाइए जैसे कि उसका मोशन कैसा हो रहा होगा, ऑलराइट, शो इट, है ना। बी इज अलोंग एक्स एंड यू वेक्टर इज इक्वल टू जे कैप, चित्र बनाइए, ऑलराइट। और उसका मोशन कैसा होगा करें।